हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्लास। आई एम कमिंग अगेन। सो स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग टाइम, वेलकम बैक टू द वीडियो क्लास एट लिटिल इंडियन स्कूल एट होम। एंड दिस इज़ पूनम भाटी फ्रॉम लिटिल इंडियन स्कूल। सो एवरी डे यू वुड बी अटेंडेड द वीडियो क्लासेस एंड लर्न दैट टॉपिक विच आई डिस्कस इन दिस वीडियो क्लास, राइट? सो मेक श्योर दैट यू हैव योर कंप्यूटर टेक्स्ट बुक विथ यू विद ऑल द टाइम वाइल अटेंडिंग द वीडियो क्लास, राइट? सो स्टूडेंट, प्लीज टेक नेक्स्ट 5 सेकेंड टू कीप योर बुक रेडी। 5, 4, 3, 2, and 1. स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर रेडी। येस, यू आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। आप बहुत जल्दी जल्दी से रेडी भी हो जाते हैं। येस और नो? येस। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्ट। टुडे वी आर गोइंग टू कवर डे 6 फॉर चैप्टर नंबर 5। आज हम चैप्टर नंबर 5 के लिए डे 6 कवर करेंगे, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्ट विद डे 6 फॉर चैप्टर नंबर 5, राइट? स्टूडेंट, दिस इज योर चैप्टर नंबर 5। एज यू नो दैट योर चैप्टर नेम इज कीबोर्ड। योर चैप्टर नेम इज कीबोर्ड। तो स्टूडेंट, वी ऑलरेडी लर्न अबाउट सम टॉपिक अबाउट द कीबोर्ड्स, ठीक है? हमने कीबोर्ड्स के बारे में कुछ पढ़ा, ठीक है? वो क्या क्या पढ़ा मैंने आपको अभी लास्ट वीडियो क्लासेस में बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए, ठीक है? तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, मैं उन टॉपिक्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करती हूँ, ठीक है? थोड़ा सा, इतना सा लिटिल पोर्शन सा रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। यस और नो? यस। चलिए स्टूडेंट, तो लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडे टॉपिक एंड द रिवीजन ऑफ लास्ट वीडियो क्लासेस, राइट? चलिए, तो दिस इज योर चैप्टर नेम, दैट इज द कीबोर्ड, राइट? चलिए, तो दीज आर सम टॉपिक्स वी आर कंप्यूटर विच इज़ योर कंप्यूटर टेक्स्ट बुक हैज़ बीन कवर्ड। कि कुछ टॉपिक्स हैं जो आपकी कंप्यूटर टेक्स्ट बुक ने कवर किए हुए हैं, जो वी ऑलरेडी कवर्ड सम टॉपिक्स, वी ऑलरेडी लर्न अबाउट द कीबोर्ड्स। वॉट इज कीबोर्ड्स? लेटर की, नंबर की, स्पेस बार की, एंटर की, डिलीट की एंड बैक स्पेस की, वी ऑलरेडी कवर दीज टॉपिक, ठीक है? ये हमने पहले से ही कवर कर लिए हैं अपनी लास्ट वीडियो क्लासेस में। ये टॉपिक हमने, कीबोर्ड क्या होता है, कीज होती हैं, कीज में लेटर की क्यों होती हैं, अल्फ़ाबेट कीज होती हैं, नंबर कीज में क्या होता है, 0 to 9 नंबर कीज होती हैं, स्पेस बार की किस लिए यूज़ करते हैं, स्पेस देने के लिए दो वर्ड्स के बीच में, एंटर की यूज़ किस लिए करते हैं, दो लाइन्स को सेपरेट करने के लिए, नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए, डिलीट की हम राइट साइड के लेटर और वर्ड्स को डिलीट करने के लिए, और बैक स्पेस की लेफ्ट साइड के लेटर्स को, नंबर्स को डिलीट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एरो की एंड द कैप्स लॉक की। सो लेट्स लर्न अबाउट फर्स्ट एरो की। सो स्टूडेंट, दिस इज़ अवर टुडे टॉपिक, दैट इज़ द एरो की। एरो की आप नेम से आपको पता चल रहा होगा, डैट मीन्स दिस वन, इस तरीके के एरो की होते हैं हमारे पास, होते हैं। हैव यू सीन दैट? आपने देखे होंगे, आपने ये इस टाइप के एरो कंप्यूटर पर देखे होंगे। यस और नो? नंबर्स के, नंबर्स कीज के ऊपर भी देखे होंगे। तो ये कुछ एरो कीज हैं हमारी, राइट? सो लेट्स लर्न अबाउट दीज एरो की इन डिटेल। तो स्टूडेंट्स, दीज आर द एरो की। आपने देखा कंप्यूटर में ये एरो कीज होती हैं, राइट? कुछ नंबर्स के ऊपर भी लिखी होती हैं और कुछ सिंपल भी होती हैं। तो बेसिकली एरो कीज कितनी होती हैं? दे आर 4 एरो कीज ऑन ए कीबोर्ड। आपके कीबोर्ड पर कितनी एरो की होती हैं? 4। आप काउंट कर सकते हो, 1, 2, 3 and 4। दीज एरो की आर 4 एरो की, ठीक है? अप एरो की, डाउन एरो की, लेफ्ट एरो की एंड राइट एरो की, ये हमारी 4 एरो कीज होती हैं, जिनको हम अप डाउन लेफ्ट राइट एरो कीज भी कहते हैं, ठीक है? तो देयर आर 4 एरो कीज ऑन ए कीबोर्ड। राइट, देयर आर 4 एरो की ऑन ए कीबोर्ड, ठीक है? हमारे पास 4 एरो की।
Now, these key have arrow marked on them. आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इन एरो जो कीज दे रखी हैं आपको, मैंने दिखा रखी हैं, इन पर एक एरो की मार्क है। ये एरो दिख रहे हैं आपको, ये एरो दिख रहे हैं। तो दीज एरो कीज हैव एरो मार्क ऑन देम, ठीक है। ये एरो की एरो मार्क रखती हैं अपने में, ठीक है। इन्हीं एरो मार्क को देखकर आप बोल सकते हैं कि दीज आर द एरो कीज, ठीक है। इनको देखकर आप ये बोल सकते हैं दीज आर द एरो कीज, राइट। तो एरो देयर आर बेसिकली फोर एरो कीज ऑन ए कीबोर्ड, राइट। दीज की हैव एरो मार्क ऑन देम, राइट। वी यूज द एरो की टू मूव द कर्सर इन डिफरेंट डायरेक्शन। बेसिकली इसका क्या यूज होता है, एरो की तो समझ में आ गया, दिस वन इज द एरो की, लेकिन यूज क्या होता है। वी यूज द एरो की टू मूव द कर्सर, जो आपके कंप्यूटर का कर्सर होगा, लाइक एक मेरा एक कंप्यूटर कर्सर है, इसको डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कराना है, तो वी यूज द एरो की। सपोज मुझे अपर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ से मूव कराना है, तो मैं एरो की ये वाला प्रेस करूँगी, ठीक है। तो मेरा ये कर्सर मूव होता हुआ ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अगर सपोज मुझे लेफ्ट साइड में अपना कर्सर मूव कराना है, तो मैं ये वाला की प्रेस करूँगी, ये वाला की, ठीक है। तो मेरा जो कर्सर है यहाँ से लेफ्ट साइड पर मूव कर जाएगा। सपोज आई वॉन्ट टू मूव माई कर्सर इन द राइट साइड, तो आई प्रेस दिस की, देन माई कर्सर मूव्स इन दिस डायरेक्शन। आई वॉन्ट टू मूव माई कर्सर इन डाउन डायरेक्शन, देन आई प्रेस दिस की एंड माई कर्सर गोज इन डाउन डायरेक्शन, राइट। सो दीज आर द एरो कीज, यूज द एरो की टू मूव द कर्सर इन द डिफरेंट डायरेक्शन, राइट। कर्सर इज द स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन डेट वी सी ऑन ए मॉनिटर। आप सबको पता है कर्सर एक स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन होती है, ब्लिंक करती रहती है, मतलब मूव कर थोड़ी सी आपको ब्लिंकिंग करती हुई दिखाई देती है, वो एक लाइन होती है, उसको हम कर्सर कहते हैं मॉनिटर पे। उसी को हम मूव कराने के लिए डिफरेंट डायरेक्शन में एरो कीज का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कर्सर एरो की क्या होती हैं, देयर आर फोर एरो कीज ऑन ए कीबोर्ड। These keys have arrow mark on them. We use the arrow key to move the cursor in the different directions, right? And the cursor is the small blinking line that we see on a monitor. ठीक है, एक small blinking line की तरह cursor होता है जो हम अपने monitor पर देखते हैं, ठीक है। तो this is all about the arrow key. ठीक है, तो हैव यू लर्न अबाउट द एरो की, यस दिस इज द एरो की। सो स्टूडेंट दिस इज द वन स्टेटमेंट आई वांट टू शेयर यू, एंड दिस इज आल्सो इन योर बुक, आपकी बुक में भी दे रखा है ये। एरो की आर आल्सो कॉल्ड द कर्सर कंट्रोल की, कर्सर कंट्रोल की है, क्योंकि आप उसे लेफ्ट राइट डायरेक्शन में अप डाउन डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं, तो कर्सर कंट्रोल की भी बोल सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ द कर्सर कंट्रोल की, तो आप बोलेंगे एरो की, ठीक है, एरो की, कर्सर कंट्रोल की। द कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ कर्सर ऑन द स्क्रीन, ये आपकी कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करके रखता है। अगर आपने लेफ्ट डायरेक्शन में कर्सर को मूव कराया है, तो अगर एक ही बार प्रेस किया, तो आपका कर्सर एक ही बार ही मूव होगा, वन टाइम ही मूव होगा। There are sets of arrow key on a keyboard. ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फोर सेट्स होते हैं, मतलब एक सेट में फोर एरो की होती हैं, तो बेसिकली टू सेट्स बने होते हैं एरो की के, ठीक है। तो एरो की आर ऑल्सो कॉल्ड द कर्सर कंट्रोल की, एज दे कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ कर्सर ऑन द स्क्रीन, देयर आर सेट्स ऑफ एरो की ऑन ए कीबोर्ड, राइट। नाउ नेक्स्ट की एंड द लास्ट की फॉर योर चैप्टर, कैप्स लॉक की। आप सबको नाम से पता चल रहा है कैप्स लॉक की में क्या होता है। सपोज स्टूडेंट्स, अगर मैं अपनी नोटबुक में इस तरीके से लिख देती हूँ ए, एंड आई वांट टू राइट दिस ए इन द कैपिटल फॉर्म, तो व्हाट वी हैड टू डू
क्या करना होगा हमें, मुझे इरेजर लेना होगा और मुझे इसको इरेज करना होगा, है ना। अब क्या हो सकता है, पेंसिल से दोबारा से मैं उसे राइट कर सकती हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं राइट कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन आपके कंप्यूटर के अंदर जो कीबोर्ड हैं उसमें आपने देखा होगा जो अल्फ़ाबेट की होती है उसमें कैपिटल से ही लिखा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कैपिटल लिखा हुआ है तो कैपिटल में ही लिखेंगे, आप उसे स्मॉल में भी लिख सकते हैं। तो कैप्स लॉक की क्या होती है, आपके लेटर्स को कैपिटल और स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करने के लिए हम कैप्स लॉक की यूज़ करते हैं। अगर कैप्स लॉक की ऑन है तो आपका लेटर कैप्स कैपिटल होगा, अगर ऑफ है तो आपका लेटर स्मॉल होगा, राइट। तो लेट्स लर्न अबाउट दिस कैप्स लॉक की इन डिटेल। द कैप्स लॉक की इज़ यूज टू टाइप कैपिटल लेटर। अगर हमने ये कैप्स लॉक की यूज़ किया हुआ है, अगर अभी हमने ये यूज़ नहीं किया तो जब भी आप कुछ लिखोगे आपकी स्मॉल लेटर में लिखाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसे यूज़ कर लिया, कैप्स लॉक की को मैंने प्रेस कर दिया, ठीक है, तो मेरा क्या होगा, उसमें लेटर कैपिटल लेटर हमारा जो लेटर है वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और जितनी भी मैं प्रोसेसिंग करूँगी वो कैपिटल लेटर्स में प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो कैप्स लॉक की इज़ यूज टू टाइप कैपिटल लेटर्स, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में टाइप करने के लिए कैप्स लॉक की यूज़ किया जाता है, राइट। ऑन प्रेसिंग दिस की ए स्मॉल लाइट इज टर्नड ऑन। अगर मैंने कैप्स लॉक की को वन टाइम प्रेस कर दिया तो मेरे पास कीबोर्ड में एक ग्रीन कलर की लाइट ऑन हो जाएगी, टर्न हो जाएगी ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड पर टर्न हो जाएगी। ऑन प्रेसिंग द की ए स्मॉल लाइट इज टर्नड ऑन ऑन द कीबोर्ड, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरा कीबोर्ड है, दिस वन इज़ माई कीबोर्ड, तो मैं अगर कीबोर्ड पे कैप्स लॉक की ऑन करती हूँ तो मेरा कीबोर्ड पे ग्रीन कलर की लाइट ऑन हो जाती है, दैट मीन्स मेरा कैप्स लॉक ऑन हो गया है। जब भी मैं कुछ टाइप करूँगी अब तो मेरा वो कैपिटल लेटर में ही टाइप होकर आएगा, राइट। नाउ प्रेसिंग द कैप्स लॉक अगेन टर्न द लाइट ऑफ। अगर मैंने उसे सेकेंड टाइम पर कैप्स लॉक को प्रेस करा, वन टाइम फर्स्ट टाइम प्रेस किया तो मेरा कैप्स लॉक ऑन हो गया, मेरे कीबोर्ड में लाइट टर्न ऑन हो गई और मेरा लेटर कैपिटल लेटर में राइट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, टाइपिंग जो है कैपिटल लेटर में स्टार्ट हो गई। लेकिन अगर मैंने अगेन उसको दोबारा प्रेस किया तो मेरी लाइट ऑफ हो जाएगी कीबोर्ड की, और कीबोर्ड की लाइट ऑफ होते ही मेरा कैपिटल लेटर जो है वो ऑफ हो जाएगा, कैप्स लॉक ऑफ हो जाएगा, और कैप्स लॉक ऑफ हो गया डेट मीन्स आपका जो आप कुछ भी लिख रहे हैं वो स्मॉल लेटर में आपका टाइपिंग होगा, राइट। दिस इज द कैप्स लॉक की। सो स्टूडेंट, दिस इज इनफ फॉर टुडे वीडियो एंड वी फिनिश द चैप्टर नंबर 5 फॉर टुडे, ठीक है। आज हमने चैप्टर नंबर 5 फिनिश कर दिया है, ठीक है, जिसमें हमने कैप्स लॉक की और एरो की के बारे में बताया। तो आपको समझ में आया एरो की क्या होती है एंड कैप्स लॉक की क्या की कौन सी की होती है। यस, वेरी गुड स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, इट्स टाइम टू होमवर्क, यू हैव टू लर्न अबाउट ऑल द कीज ऑफ द कीबोर्ड, ठीक है, अपने कीबोर्ड की सारी कीज के बारे में जितना भी मैंने पढ़ाया है उनके बारे में आपको लर्न करना है, ये आपकी इस चैप्टर के लिए होमवर्क है, राइट। चलिए, सो इट्स टाइम टू गोइंग नाउ स्टूडेंट, स्टे हेल्दी, स्टे होम, स्टे सेफ, आप घर पर स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है, और खूब सारा पढ़ाई करिए, हेल्दी खाइए और खूब सारी इंजॉय करिए, ओके स्टूडेंट। और दिस इज़ फॉर यू, ये स्माइली भी आपके लिए मैंने लेकर आती हूँ, दिस इज़ फॉर यू, सो हैव ए नाइस डे, बी स्माइल, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।